अभी सुबह सुबह मैं उठा हूँ और मैं जा रहा हूँ गुजरा वाला राइड के लिए। ये देखिए आशिर क्या कर रहा है। आशिर मेरी अगली राइड के लिए पैसे जोड़ रहा है। आशिर कितने पैसे हो गए? अभी मैं उठा हूँ, इंशाल्लाह फ्रेश होके नहा के अभी हम निकलने लगे हैं गुजरा वाला राइड के लिए। तो इंशाल्लाह फिर आपको राइड पे मिलते हैं। ये साथ मेरे अब्बू भी खड़े हैं, तो इंशाल्लाह अब्बू को बहुत जल्दी एक सरप्राइज देंगे। आप सब देखिएगा ज़रूर और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम जल्दी मिलते हैं आपसे। रेडी टू लीव। अभी बाइक भी रेडी है, हर चीज़ रेडी है, मैं भी रेडी हो चुका हूँ। इंशाल्लाह रास्ते में मुलाकात होगी। यहाँ पे रुका हूँ, यहाँ पे एक है पंगा रेस्टोरेंट। अगर आप लाहौर से गुजरांवाला की तरफ जा रहे हो तो आपको ये काला शगा को क्रॉस करके जो है ना ये मिलेगा, पंगा रेस्टोरेंट अटक के पंप के साथ। ये है जी पंगा रेस्टोरेंट। व्हाट अ नाइस स्टैचू। और ये अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ पानी का ब्रेक लेने के लिए, अभी आगे अपना सफर शुरू करेंगे। गुजरांवाला मैं पहुंच चुका हूं, ये मैंने बाइक खड़ी कर दी है। इस टाइम हम निकल चुके हैं, अभी देखेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे कि गुजरांवाला का जो है वो अंदरून हम एक्सप्लोर करें जाके, और अगर कोई हमें अच्छी चीज़ मिली खाने को इंशाल्लाह हम वो भी खाएंगे। ये सामने शहबाज टिक्का शॉप है, मेन चंदा किला से कुछ मीटर्स पहले। ये यहाँ की काफ़ी मशहूर स्पॉट है बारबी के हवाले से। ये जो गुजरांवाला के एंट्रेंस पे ही है, इसको कहते हैं चंदा किला, और ये बहुत ही खूबसूरत डिजाइन हुआ है। और ये एक सड़क जो है ये जीटी रोड, ये वाला सड़क ये सीधा चला जाता है इस्लामाबाद की तरफ और ये अंदर शहर में जाता है ये वाला रोड, और इस तरफ से ये जो रोड आ रहा है ये लाहौर की तरफ से आ रहा है।
अखाड़ा है गुजरांवाले में आए और आप पहलवानी ना देखें तो गुजरांवाले आने का मकसद पूरा नहीं होता। जी आप शेरा वाला बाग बड़ा अच्छा पर मैं शेरे पाकिस्तान और आपका नाम रियाज मैं हूं सारे पाकिस्तान। आपको कितनी देर हो गई कुश्ती करते हुए? मुझे तकरीबन 40 साल हो गए हैं। तो इससे पहले बाप ने तो दादा पहलवान थे दिया और ये शेरे पाकिस्तान जब हुए तो उन्होंने हदीयत पर पहलवान को बोलिए को किया और मैं आपको बताता हूँ पहलवान को शिकस्त दी और लाहौर शेरे पाकिस्तान नगर 20 अप्रैल 1963 में अच्छा पहलवान गुजरा वाला ये सत्रह पाकिस्तान में यूथ वहाँ बैठे हुए गवर्नर साहब बैठे हुए हैं ये हदीयत पर पहलवान हमारे वो अच्छा पहलवान शेरे पाकिस्तान का एक ग्रुप फोटो कदाफी स्टेडियम में किसी से पहले ये थी ये किसी का मंजर है जब शेरे पाकिस्तान टैटर की खुशी हुई जब ये खुशी जीत ली इन्होंने ये फिर जीतने के बाद आवाम ने सर्दों में उठाया हुआ है अच्छा पहलवान शेरे पाकिस्तान का खिताब जीत लिया। तो इसी तरह इस खाड़े में उसमें तमाम उसमें हिंद उसमें पाकिस्तान शेरे पाकिस्तान सारे पाकिस्तान के टाइटल है उसमें गुजराना सा लेके उसमें जमा का के टाइटल है इस बारे में बहुत जबरदस्त ब्रीफिंग दी है माशाल्लाह ये फखर है हमारे गुजरा वाले का। आगे भी तस्वीरें दिखाता हूँ अच्छा पहलवान की जवानी की तस्वीर है साल में 11 पहलवान कवरे पाकिस्तान लाहौरिया तो ये कजन है हमारे तो ग्यारह पहलवान जिन्हें दौरे में चित किया था ओलंपिक से जुने और वो आपके ये कजन है जारा पहलवान कजन है इन्होंने नोकी पहलवान को जीत किया था। अच्छा जी और ये इमाम बख्श पहलवान के पोतरे हैं। ठीक है जी जबरदस्त इस तरह ये अपना पहलवानी की विरासत है गुजरांवाला में और जितने भी आपने देखे होंगे इंटरनेशनल नेशनल पहलवान गुजरांवाला में सबसे ज्यादा हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान में कहीं भी चले जाए दुनिया में कहीं चले जाए जब गुजरांवाला का नाम आता है तो सबसे पहले में तो गुजरांवाला जब भी जाते हैं वो कहते हैं कि शेरांवाला बाग अच्छा पहलवान शेरे पाकिस्तान के नाम पे है तो ये पहलवानों का शहर है पहलवान टाइटल होल्डर है तो दरवेशों का शहर है ये। माशाल्लाह फैंटास्टिक इन साहब से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और ये इनकी जो है कुछ ये बशीर भोला भाला पहलवान है लाहौर का उसमें पाकिस्तान और ये मेरी तस्वीर है ये 1998 में 97 में सॉरी ये वाली आपकी तस्वीर कदाफी स्टेडियम में जी ये 97 में कदाफी स्टेडियम में कुश्ती हुई थी। ये अच्छा पहलवान और हदीयत पर पहलवान का इश्तिहार है जो 1962 में निकला था माशाल्लाह और ये भी आप ही हैं ये मैं ही सितारा पाकिस्तान ये आपके साथ ये मेन शेरा वाला बाग और ये अखाड़े के बाहर से वीडियो है अखाड़ा मिनी पहलवान चैंपियन पाकिस्तान शेरा वाला बाग है मुन्नी मुन्नी पहलवान मिनी पहलवान मैंने कहा शायद जैसे आईफोन नहीं है आईफोन मिनी अब भाई मुन्नी पहलवान ये है शेरांवाला बाग।
बहुत फंटेस्टिक किस्म का जूस पिलाया इन्होंने, बहुत मज़ा आया, बहुत बढ़िया। इतनी गर्मी एक तो गर्मी इतनी और दूसरा ये पहाड़े में हमें मिला ये जूस। इस टाइम मैं मौजूद हूँ सियालकोटी दरवाज़ा, इसको कहते हैं, पुराना नाम इसका था ब्रेंडर गेट, लेकिन अभी इसको कहते हैं सियालकोटी गेट। मैं और उमर मौजूद हैं यहाँ पे, अभी हम आपको इसका व्यू दिखाते हैं। ये वो मशहूर पान की दुकान है जहाँ से सुल्तान रही खाया करते थे, मेरे तो सुनने में यही आया है। अब आगे कितनी हकीकत है ये तो आप खुद मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैंने सुना है जहाँ पे सुल्तान रही पान खाने आते थे, ये बात कितनी सच है? बहुत ही सच है। चलें जी, अभी आप हमें कौन सा पान खिलाएंगे? आपको मीठा पान खाते हैं हम सिर्फ। जी आप भी आए इनके पास और ये आपको 10% डिस्काउंट देंगे मेरी तरफ से। ठीक है जी,
कस्टमर कर रहा है पान को हाफ, तो हाफ करके जो है आधा मुझे देगा आधा खुद खाएगा। ये पीछे हमारी बाइक खड़ी है दो भाई। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। हम अपनी बाइक लेने आए हैं शेरावाला बाग में, बाइक अपनी खड़ी की थी जहाँ पे हम अपने अखाड़े जहाँ पे अखाड़ा देखने गए थे वहाँ पे खड़ी की थी बाइक। अब यहाँ से बाइक लेके एक नहर का शॉट ले लेते हैं और राइडिंग के मैंने अपना उतार दिया उमर की शॉप पे। तो पहन के बहुत गर्मी हो रही थी तो गर्मी से बुरा हाल हो गया। अब इंशाल्लाह वापसी पर दोबारा यहाँ से पिक करके राइडिंग गियर फिर वापस लाहौर की तरफ निकलेंगे। हम घूम रहे हैं इस टाइम और अभी डिसाइड करते हैं खाना क्या है। मुझे समझ नहीं आ रही। आप ही तो नहीं कोई समझ आ रहा खाना ही क्या है। मैं वैसे देख रहा हूँ कोई देसी कोई चीज बारबेक्यू वगैरह हो जाए या फिर कढ़ाई वगैरह। मगर आपका क्या ख्याल है इसके बारे में क्या खाना चाहिए? सालन रोटी चलनी चाहिए। तिक्का शॉप पे इसका मैं खड़ा हूँ और मैंने करवाई है कढ़ाई चिकन की। अभी बनती हुई भी दिखाते हैं आपको।
बच चुके हैं। मैंने सुबह के सिर्फ ओट्स खाए थे और ओट्स के बाद उम्र के साथ दोपहर के थोड़ा सा खाना खाया था बस। शदीद किस्म की भूख लगी है और अब कढ़ाई ऑर्डर की है, कढ़ाई खा के फिर मैं लाहौर की तरफ वापसी रवाना हूँ इंशाल्लाह। वापसी के लिए रेडी हूँ मैं, बस निकलने लगा हूँ, लाहौर जाके आपसे बात होती है। मैं खैरियत से घर पहुंच चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। रात के 12 बज चुके हैं और रास्ते में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई मसला नहीं हुआ। राइड बहुत अच्छी थी रात की। जाते हुए तो मैं एक जगह रुक गया था, एक रेस्टोरेंट आता है रास्ते में, जैसे आप कालाशा का क्रॉस करते हैं मोटरवे से उतरते ही, तो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है पंगा रेस्टोरेंट, वहाँ पर मैं रुका था पानी की ब्रेक लेने के लिए, पानी शानी पिया था। वापसी पे मैं एक ही दफ़ा में अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गया क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा व्लॉग आज का। वीडियो एंड तक देखी आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।